नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो को आप लास्ट तक देख के जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं मैं, जिनसे आपको लगता होगा कि हाँ वाकई में TikTok बैन होना चाहिए इंडिया में, और बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं ये। इसमें ये नहीं कि कोई गलत पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स आप सभी के सामने रखूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, सिंपल बात करूंगा बिल्कुल, और काम की बात होगी आप सभी के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पे आए हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन जरूर से दबा देना। फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ गाइस, मेरे वो आ रही है एक तरह से, आप स्क्रीनशॉट देखेंगे स्क्रीन पे, उसमें रेप को प्रमोट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक लड़की कपड़े सही कर रही है, मतलब डुएट वीडियो बनाई गई है, लड़की कपड़े सही कर रही है, लड़का कपड़े सही कर रहा है, मतलब रेप को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। और इनकी एज क्या है, मुश्किल से 16, 17, 18, ये चीज़ सही है क्या? मतलब जस्ट 15 सेकंड की वीडियो के लिए अब कहाँ से किस हद तक जा रहे हो, और इससे बाकी लोग क्या सीखेंगे, वो चीज़ आपने कभी सोची नहीं। सेकंड चीज़ गई, इसी पॉइंट में मैं जोड़ूंगा कि इसमें आप लोग बहुत सारी और भी ऐसी वीडियोज़ देखोगे जिसमें एनिमल्स को मारा जा रहा है, या फिर उनके अगेंस्ट में मतलब कुछ उनके साथ ऐसी एक्टिविटी करी जा रही है गलत। आप जैसे एक देखेंगे डॉग था, डॉग को ऐसे उठा के मतलब उसको खूब तेज़ी से हिलाया और उसको पूरी जान लगा के पानी में फेंक दिया। और एक कैट थी बिल्ली, उसको रस्सी से बांध दिया फांसी के फंदे की तरह। अबे बेजुबान जानवरों के साथ कर रहे हो, बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब 15 सेकंड की वीडियो, 1 मिनट की वीडियो के लिए आप किस हद तक जाओगे? उससे क्या तुम फेम पालोगे, उससे क्या तुम्हें लाइक मिल जाएंगे, उस लाइक का क्या करोगे यार, एक चीज़ बताओ मुझे। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, और इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले तो TikTok को बैन करना चाहिए। आगे आगे देखो और भी पॉइंट्स बताता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट गाइस मेरा ये है TikTok मैनेजमेंट, TikTok का मैनेजमेंट है, TikTok की टीम बोलूँ, वो ये इन सब चीज़ों को देख नहीं रही क्या? मेरा सवाल बहुत बड़ा एक चीज़, क्योंकि देखती जब है, जब एक्शन ले लिया जाता है, जब इन सब वीडियो को फिल्टर करेंगे, वीडियोज़ को हटाएंगे, उससे पहले TikTok क्या करता है, वीडियो को प्रमोट करता है भाई। स्वाइप अप जाओ, देखो देखो देखो, एक से एक वीडियो आ रही हैं क्या यार? मतलब कि ऐसी चीज़ को मतलब बढ़ावा देना ही क्यों है? YouTube भी तो है आपके सामने, आप YouTube से कंपैरिजन कर रहे हो, तो कम से कम YouTube के लायक तो बनो पहले, कि हाँ उस प्लेटफॉर्म के लायक बन सको। माना कि YouTube प्लेटफॉर्म और TikTok अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कंपेयर करना बहुत अलग चीज़ है, बट आप जो चीज़ कर रहे हो कम से कम उसको सही वे में तो करो। तो ये चीज़ गलत है, TikTok को अपना ये प्लेटफॉर्म है सही करना चाहिए, या इसको इंडिया से बैन कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट गाइस मेरा, आप लोग देखेंगे YouTube पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो TikTok पे नहीं थे, और उनका कंटेंट चुरा के TikTok पे यूज़ किया जा रहा था, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स, मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेके जा रहे थे लोग, किसी और का कंटेंट दिन रात पसीने मेहनत से करके एक कंटेंट बनाया, हफ्ते भर 10 दिन वीडियो को शूट करा, उसको आप 1-1 मिनट के पार्ट्स में 10 पार्ट में वीडियो गए अपलोड कर दी। लाइक आशीष संचलानी, आप देख सकते हैं उनकी वीडियो को अपलोड किया जाए, 100 मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे उस वीडियो पे, मतलब और भी। किसी और का कंटेंट, कोई कॉपीराइट या फिर मतलब कोई किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं, ऐसी की तैसी लाओ कंटेंट डालो, सीधा व्यूज़ कमाओ। अरे किसी और का कंटेंट है, मेहनत सामने वाला कर रहा है और व्यूज़ दूसरा ले जा रहा है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। एक एज ए क्रिएटर के नाते मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, और आप भी एक एज ए क्रिएटर हो तो आप लोगों को भी पता होगा कि आप कंटेंट बनाते हो, कोई और व्यूज़ ले जाए आपके तो आपको कैसा लगेगा। गाइस फोर्थ पॉइंट मेरा, फोर्थ पॉइंट ऐसा है, आप लोग जानते होंगे TikTok ग्लोबली इंडिया से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी ऑडियंस है, 116 मिलियन यूज़र्स करीबन इंडिया में हैं इसके, और सेकंड नंबर पे इसका यूएसए आता है। आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, मतलब इंडिया में उसको इतना ट्रैफिक मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, फिर भी वो इंडिया के गेम में मतलब ऐसी वीडियोज़ को प्रमोट करता है, गलत वीडियोज़ को फिल्टर नहीं करता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं अच्छे से, और उसका एल्गोरिथम है एक अलग ही तरीके से वर्क करता है, और जो चीज़ गलत है बस चलने दे रहा है, जब उस पर रिपोर्ट करी जा रही है या उस चीज़ के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले रहा है तब उस चीज़ को हटा रहा है। तो इतना बड़ा मार्केट है, उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए, वो नहीं सोच रहा है तो मेरा मानना है वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा है यार, सिंपल सी बात है, बैन करो उसको यार, बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल। गाइस फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ मैं, वो ये है, आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, यूट्यूब ये है, यूट्यूब वो है, TikTok पर जाएंगे आप आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ आपकी म्यूट कर दी जाएगी,
या फिर वो वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। आप ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी हो या ना करी हो, आप टिकटॉक पे टिकटॉक के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हो तो वो ये चीज़ हटा देता है, क्योंकि उसको अपना प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ रखनी ही नहीं है। अरे ये चीज़ नहीं रखनी है तो बाकी की और भी चीज़ें वो भी क्यों रख रहे हो भाई, वो भी डिलीट करो, सिंपल सी बात है। बट क्या चीज़ है, वो ये सिर्फ चीज़ें देखता है करता नहीं है, तो ये चीज़ गलत है यार मेरे हिसाब से। क्योंकि आप लोग देखोगे अभी टिकटॉक के अगेंस्ट में बहुत सारी वीडियोस बनी है, तो बहुत सी वीडियोस का मैं देखा उसका म्यूज़िक मतलब जो वॉइस थी उसकी म्यूट कर दी गई है। मतलब चल क्या रहा है ऐसे की तैसी तुम्हारी टिकटॉक की, मतलब कुछ भी आवाज़ म्यूट कर देनी है, वीडियो डिलीट कर देनी जो तुम्हारे अगेंस्ट में बोलेगा। और एक चीज़ गाइस एक फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा आप लोग देखेंगे चाइना में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, चाइना अपने खुद के एप्लीकेशंस यूज़ करता है, व्हाट्सएप नहीं यूज़ करता, वीचैट यूज़ करता है। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे, वीचैट वो लोग यूज़ करते हैं, तो उनका जो डेटा है जो उनकी प्राइवेसी सारा कुछ उनके पास ही है, वो नहीं चाहता कोई और कंट्री मतलब उनसे उनका डेटा कलेक्ट करे या कुछ भी किसी भी तरीके से। और हम क्या करते हैं चाइना की एप्लीकेशन को डाउनलोड, अरे वो हमारी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते, हमारी क्या और किसी की भी, तो हम क्यों करें भाई, सिंपल सी बात, बॉयकॉट टिकटॉक, हटाओ इसको, तो गलत है ना यार। एक चीज़ वो लोग हमारी एप्लीकेशंस नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ भी मेरा मानना है कहीं ना कहीं एक फैक्ट है कि कभी ना कभी कोई साइबर अटैक करना चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकता है चाइना, बिकॉज अब उसके पास सारी चीज़ें हो सकती हैं। और डिटेल्स डेटा की बात करूँ सारा कुछ उसके पास होगा। सेवन पॉइंट की बात करूँ गाइस वो है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। जी हाँ, इस पॉइंट को इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखेंगे अमेरिका में कुछ टाइम पहले YouTube के ऊपर फाइन लगा था कि किड्स की जो पॉलिसी हैं या किड्स के सामने कुछ आप ऐसे एड्स दिखाते हैं या फिर कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, तो उसके ऊपर फाइन लगा था पनिशमेंट के तौर पे, और उसने फाइन पे किया। और TikTok के ऊपर भी ऐसी कुछ केस हुआ था USA में जिसमें TikTok को भी फाइन लगा था, और उसने वो वीडियो सारी पॉर्नोग्राफी की थी जो YouTube पे सॉरी TikTok पे थी वो सारी फिल्टर कर दी थी, हटा दी थी वीडियो। उसके बाद क्या हुआ, फिर से कुछ टाइम बाद उनका धीरे 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 TikTok का वो काम चालू। अब डिफरेंस में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब YouTube के साथ ये चीज़ हुई, YouTube ने फ़ाइन पे किया, ठीक है, TikTok ने भी फ़ाइन पे किया होगा, दोनों की जो बातचीत हुई होंगी अलग अलग अपने केसेस में हुई होंगी, बट एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये निकला कि आप लोग देखेंगे YouTube अपनी एक पॉलिसी लेके आ गया कोपा करके, ठीक है, आप जानते हैं कोपा पॉलिसी किड्स के लिए एक तरह से ये, और TikTok क्या लेके आया था, कुछ नहीं। तो इंडिया में मेरे हिसाब से इसको बायकॉट करो यार, हटाओ टिकटॉक को, मेरे हिसाब से सही नहीं है ये, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों को ये प्रमोट करता है जो बिल्कुल ही बेकार है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट मेरा आप लोगों से ये है, बहुत सारे लोग आप में से बोलेंगे टिकटॉक बैन हो जाएगा तो जो रियल क्रिएटर्स हैं मतलब अच्छे क्रिएटर्स हैं जो वाकई में मेहनत करते हैं और जो वाकई में बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, हैं कुछ अच्छे क्रिएटर्स, तो उन क्रिएटर्स का क्या होगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिनकी फ़ैन बेस है, जिनको लोग वाकई में पसंद करते हैं, जिनकी वीडियोस वाकई में लोग देखना चाहते हैं, जिनको दिल से लोग सपोर्ट करते हैं, वो टिकटॉक बंद भी कर देंगे ना, टिकटॉक को छोड़ भी देंगे और यूट्यूब पे आ जाएंगे, तो यूट्यूब पे भी सपोर्ट मिलेगा। और तुम्हारे सिर्फ ऐसे ही फॉलोवर्स हैं जस्ट ऐसे ही, तो फिर भैया आपके लिए खतरे की घंटी है, बंद हो गया तो आपको अपना तो बोरिया बिस्तर बांध के चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ है गाइस, जेन्युइन क्रिएटर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो ऐसा क्रिएटर बेकार हैं जो फालतू की वीडियोस बना के। और हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कुछ बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको लाइक देख के जानते कि हाँ मैं भी बनूँ इनकी तरह, लाइक अमित बनाना भून बाम है, इनको लेकर के लोग बहुत सारे बोलते हैं कि मैं भी इनकी तरह वीडियोस बनाऊँ, मैं भी इनकी तरह बनूँ। और टिकटॉक पे भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको लोग देख के बोलते हैं कि हाँ मुझे मोटिवेशन मिल जाए, इंस्पायर हूँ उनसे, मैं इनकी तरह वीडियो बना जाता हूँ, और वो गलत वीडियो बनाते हैं तो बाकी लोग भी उनको देख के गलत वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। तो बड़े क्रिएटर को ये चीज़ सोचनी चाहिए पहली बात, ठीक है। आप लोग देखेंगे जैसा कि कैरी मिनाटी की वीडियो आई थी, वीडियो अच्छी गई काफ़ी, रिकॉर्ड ब्रेक करे वीडियो ने, उसके बाद वीडियो डिलीट हो गई सिंपली। बट आप लोगों को पता है कि एक रियल फैन बेस था कैरी मिनाटी का, उसने गुस्सा कहाँ निकाला, लोगों के कमेंट्स में जाके गालियाँ दी, डिसलाइक दी, वो तो ठीक है जो वीडियोस बनाए थे जिनके अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी। बट अब टिकटॉक पे जाके देखिए 4.5 से 1.3 रेटिंग आ गई है टिकटॉक की। और हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को,
टिकटॉक को बैन करना है आप लोगों को, बैन करवाना है मतलब एक तरह से, तो आप लोगों को क्या लगता है कि रेटिंग उसकी डाउन करने से क्या बैन हो जाएगा? ऐसा नहीं है गाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों को रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, साथ में रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, आप रिपोर्ट करते हैं तो जो प्ले स्टोर की गूगल की अलग गाइडलाइंस हैं उनको वो देखेगा और फिर उसको जैसा सही लगेगा उसके अगेंस्ट उसके साथ में वो एक्शन लेगा वो। तो आप लोगों को रेटिंग देगी, मतलब रेटिंग गई 0 दे दी, मतलब 1 दे दी, उससे कोई नहीं है, आप साथ में रिपोर्ट करेंगे। और हाँ, आप टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं और आप लोग देखेंगे कि उसमें डिसलाइक का ऑप्शन नहीं है, सबसे पहली बात, वीडियो देखी आपने, सिंपली वीडियो देखी और बात ख़त्म, बेकार वीडियो हटाई, स्वाइप अप करी, छोड़ दिया आपने, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। आप लोगों को करना क्या है, सिंपली वीडियो आपने देखी, क्रिएटर पे जाएं, जिस क्रिएटर की वीडियो है ऊपर रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, रिपोर्ट करें, अपने दोस्तों से बोलें ये गलत क्रिएटर है, गलत वीडियो प्रमोट करता है, गलत चीज़ें बताता है लोगों को, लोगों के लिए गलत हैं, गलत चीज़ें बता रहा, सारा कुछ भी है, आप उसको रिपोर्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं एक तरह से, आप मतलब बैन करवाना चाहते हैं टिकटॉक को बैन करवाने के लिए। और गाइस आप लोगों को पता होगा मद्रास हाई कोर्ट में 2019 में मेरे ख्याल से इसका केस भी चला था और उसके बाद टिकटॉक ने कुछ बहुत सारी वीडियोस थी वो फिल्टर करी थी, हटाई थी। मतलब टिकटॉक पे जब मुसीबत पड़ती है ना तब वो काम करता है, उसके बाद कुछ लेना देना नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, बट अभी ऐसा नहीं होगा। और गाइस हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 20 मिलियन फॉर कैरी ये हैशटैग चल रहा है अभी भी, और गाइस इसको हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कैरी मिनाटी की वीडियो पे 20 मिलियन लाइक्स हो नहीं जाते, चाहे एक साल चाहे दो साल। आप लोगों को बोलना चाहूँगा जो क्रिएटर्स को लगता है कि हाँ वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया 12 मिलियन का, तो गलत फहमी उनकी, ये चीज़ माइंड से निकाल दो, एक ना एक दिन जरूर पहुंचेगा भाई। ठीक है, तो आप लोगों को गाइस वीडियो जाके लाइक करनी है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करनी है। आप गाइस लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है। और गाइस आज की वीडियो में कुछ इतना ही, और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको बिल्कुल सही लगते हैं या नहीं लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप करेंगे तो हाँ टिकटॉक बैन हो सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बाकी मैंने तो टिकटॉक पर्सनली कभी यूज़ भी नहीं किया, और बीच में यूज़ करना स्टार्ट भी किया था तो उसके बाद से ये यूट्यूबर से टिकटॉक स्टार्ट हुआ और फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, तो अनइंस्टॉल कर दिया है मैंने फ़िलहाल, आप लोगों को गाइस बता दूं। और आप में से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग समझदार हैं तो निपटा दो, कर दो कल्याण। ठीक है गाइस, सो गाइस आज की कुछ ये वीडियो थी, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, वीडियो को लाइक करना यार बहुत मेहनत लगती है, 2 मिनट नहीं लगते हमें वीडियो बनाने में, टाइम लग जाता है। ठीक है गाइस, पसीना भी आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे 15 सेकंड वाली वीडियो नहीं आई है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना, मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, आज की वीडियो में कुछ इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, नमस्कार।